और अब आ चुके हैं हम सुरेश्वरी देवी मंदिर। इससे पहले हम बिल्केश्वर महादेव में गए थे, पर वहाँ की फुटेज नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंध था। यहाँ पे भी है पर थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट में ही आ रहे हैं हम क्योंकि अभी तक ताला लगा हुआ है। अगर जो मैं देखूँ मॉर्निंग का समय है, बरसात के कारण इधर बंद कर रहा था अभी गाड़ी भैया। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ से चले सकते हैं ऊपर से। और भव्य नज़ारा है क्योंकि ये वो मंदिर हैं जो एक्चुअल में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए थी जिन मंदिरों को, और वो ये भी है ऐसे नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी पौराणिक मंदिर हैं हरिद्वार में। सुरेश्वरी देवी मंदिर और अच्छा है चारों तरफ का व्यूज। और ये तुलसी सुरेश्वरी देवी मंदिर का नजारा, ये वो मंदिर हैं जो पौराणिक है। चलते हैं तो आप बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, टाइम तक भी काम होंगे थोड़ा सा समय निकाल के आते हैं। और ये यहाँ ये दादाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, बहुत अंदर है पहाड़ों में। और यहाँ पे भी मोल दिखाई दिया था माता के मंदिर में जा रहे हैं जी। अभी तक की ट्रिप का हमारा ये तीसरा मंदिर मान सकते हैं। पहले हम आरती करी जाए बिल्केश्वर महादेव के बाद सुरेश्वरी देवी मंदिर में गए और पूरा ये जो सुरेश्वरी देवी मंदिर है पूरा पहाड़ में अंदर आएंगे तो राजा जी नेशनल पार्क में तो बहुत अंदर है पूरा हाथियों। राजा जी नेशनल पार्क हाथी के लिए जाना जाता है, यहाँ हाथी को पाला जाता है। कभी भी आपको यहाँ पर हाथी मिल सकता है, पालतू जानवर पालतू नहीं जंगली जानवर पाले जाते हैं और काफ़ी अच्छा मज़ा है। अभी हम जब जा रहे हैं माता के मंदिर में और यहाँ से आपको दिखाई दे रही मंदिर पर पहाड़ के इलाके भी हैं इधर पूरा पहाड़ में भी है। और
लड़की हो, अभी समथिंग 9 बज के 15 हो रहा है। अच्छा, और ये गिलहरी कबूतर अब चलते हैं नीचे को, भव्य नज़ारा आपको मंदिर का और श्री श्री देव मंदिर, हर हर महादेव, शिव शंभू। नीचे को बहुत अच्छा जल चढ़ाया हमने, ये मंदिर है, भव्य नज़ारे आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रस्थान घर को। एक बात तो यहाँ ये है कि यहाँ पे नेचुरलिटी है, प्राकृतिक है जो भी चीज़ें हैं। और पहाड़ों के बीच में आपको सुंदरता दिखाई देती है, हर चीज़ दिखाई देती है। और इस पूरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री श्री देवी, जय महाकाल।